सबसे पहले सनातन धर्म की जय। मैं यही कहूंगा कि ये तीसरी भव्य त्रिशूल यात्रा जो नवग्रह मंदिर अजोट से निकली, सबसे पहले ये मेरे पिताजी की आज से 3 साल पहले जब मृत्यु हुई, तो ये बजरंग दल और VHB और पुंछ के जितने बड़े कार्यकर्ता हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, उन सब ने तय किया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए बहुत ज़्यादा था, तो ये बजरंग दल VHP वालों ने ये यात्रा जो है 3 साल पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी को नाम डेडिकेट की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में आज तीसरी सफल त्रिशूल यात्रा जो नवग्रह मंदिर अजोट से निकली। मैं तह दिल से बजरंग दल VHP कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करूंगा जो जोश खरोश से हर साल इस यात्रा को सफल बनाने में अपना कोई भी मतलब कोई इतनी सी पूंजी तक नहीं छोड़ते, पूरा दिन रात यहाँ इसको सफल बनाने में लगे रहते हैं। और मैं सारे पिताजी के साथियों प्रेमियों का तह दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जो आज 3 साल बाद भी मेरे फादर के प्रति इतना प्यार जो उनका यहाँ झलकता है यात्रा में सफल किया। और ईश्वर से एक ही कामना करूँगा कि जो ये हमारा भारत है ये इसी तरह मजबूत रहे और एकता और अखंडता के जिस राह पे चल रहा है भगवान इस हमारे भारत को उसी राह पे चलाए। मतलब के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, ये आपको पता है कि हमारे फादर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, जैसे आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्होंने कभी किसी कौम किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया। ये उन्हीं का प्यार है जो यहाँ झलकता है, तभी करके लोग आते हैं। आपने देखा होगा सुबह 9 बजे से नवग्रह मंदिर में किस तरह लोग इकट्ठे हुए हुए थे, क्योंकि उनको पता था उनके नाम से जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको अच्छे तरह से निकालना चाहिए, पीसफुली निकालना चाहिए चाहिए बिना किसी उपद्रव के। जैसे आपने देखा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके मैं VHP बजरंग दल का फिर से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस यात्रा को सफल बनाने में।